हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने लगभग 25 क्वेश्चन की बात की थी। 25 क्वेश्चन लगभग गए हमारे, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे 26 के लेकर आगे तक के जितने भी हो पाए इस लेक्चर में। तो ये टॉपिक कौन सा है? सेल बायोलॉजी। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए। टे सैक्स डिजीज इज अ ह्यूमन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी दैट रिजल्ट इन सेल्स एक्युमुलेटिंग एंड बिकमिंग क्लॉग्ड विद वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। विच सेलुलर ऑर्गेनेल मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन दिस कंडीशन? तो इस कंडीशन में कौन सा ऑर्गेनेल सेलुलर ऑर्गेनेल कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो इसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्जी अपरेटस नहीं इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर हमारा कौन सा है, लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लीवर इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्राइमरली involved in the process and therefore abundant in the liver cells? तो यहाँ क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। The liver is involved in the detoxification of many poison and drugs. तो जैसे हम detoxification की बात करते हैं तो वहाँ हम किसकी बात करते हैं, SER की। SER मतलब smooth endoplasmic reticulum। तो यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजन कहाँ किससे होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एंड मॉडिफाई पॉलीसेक्राइड दैट विल बी सिक्रीटेड? तो मतलब इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो क्या करता है, पॉलीसेक्राइड को क्या करता है, मॉडिफाई करता है ना। तो कौन मॉडिफाई करता है, गोल्जी अपरेटस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके पास होते हैं, लाइसोसोम के पास होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपार्टमेंट दैट ऑफन टेक्स अप मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ प्लांट सेल? तो प्लांट सेल का जो वॉल्यूम है सबसे ज्यादा किसका होता है, वैक्यूल्स का होता है। ओके, आगे देखेंगे। विच वन ऑफ द मेन एनर्जी ट्रांसफार्मर ऑफ द सेल? तो मेन एनर्जी ट्रांसफार्मर सेल का कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम? तो ओन डीएनए एंड राइबोसोम किसके पास होता है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, या हम एक और ऑर्गेनेल की बात करते हैं अगर प्लांट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, इनके पास खुद का डीएनए, डीएनए प्लस राइबोसोम्स होते हैं। ओके, आगे देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, सी सही हो जाएगा। आगे देखें। Which of the following contains enzyme that transfer hydrogen from a various substrate to the oxygen? तो कौन करता है, पराक्सीसोम करता है। ओके, आगे देखेंगे। ग्रेना थाइलाकोइड्स एंड स्ट्रोमा आर ऑल कंपोनेंट्स आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए इंक्लूड्स? तो डीएनए किसके किसके पास होता है, बी एंड सी के पास, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है खुद का डीएनए, न्यूक्लियस को छोड़ के यहाँ पर बोला गया है, प्लस क्लोरोप्लास्ट। तो बी और हमारा बी एंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी एंड सी किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी हमारा ऑप्शन नंबर सही हो गया।
अगले क्वेश्चन देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रेस्पायरेशन एंड वर्चुअली आइडेंटिकल बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इन यूकैरियोटिक सेल एटीपी इज सिंथेसाइज्ड प्राइमरली ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर द करेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस लाइकली टू अकर इन प्रोकैरियोटिक रेस्पायरेशन। तो कहाँ होते हैं? इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं। कहाँ होते हैं? इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करते हैं? क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट करते हैं। ओके, आगे देखेंगे, अ सेल्स दैट हैज फॉलोइंग मॉलिक्यूल दैट स्ट्रक्चर, एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इट कुड बी अ सेल फ्रॉम। तो सेल काहे की हो सकती है? ये किसकी सेल हो सकती है? देखो यहाँ डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंजाइम्स में भी हैं और मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो ये किसमें पाए जाते हैं? प्लांट एंड, या तो प्लांट सेल होती है, हो सकती है, या एनिमल सेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज नॉट अ माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया क्लासीफाई एज अ पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों नहीं इंडो मेम्ब्रेन के सिस्टम के बारे में इसको हम क्लासीफाई करते हैं? ओके, तो इसका रीजन क्या है? इट्स स्ट्रक्चर नॉट डेराइव फ्रॉम ईआर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका स्ट्रक्चर नहीं डेराइव होता है, इसलिए हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, तो इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे के जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में, है ना। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।